तैयारियां हो चुकी हैं और सरगी भी तैयार है। महुआ दी, आप क्यों सरगी खा रही हैं? वो मैं चंद्रा, बेटा क्या हुआ अगर महुआ ने सरगी खा ली तो? वो कोई व्रत थोड़ी रख रही है, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे कैसे छोटी माँ, रीत तो यही है ना, जो सुहागन व्रत रखती है वही सरगी खाती है। तो फिर इन्हें सरगी खाने की क्या जरूरत है? दीदी, महुआ दीदी ने खा लिया है तो विद्या, रहने दो ना। वो सब लोग सरगी खा रहे थे तो मैं तो साथ देने के लिए बैठ गई। सरगी खिलाइए। क्या सोच रहे हैं आप, आइए ना। विद्या, बेटे आप नहीं खा रही हैं? बुआ जी, हम सोच रहे थे कि हम सरगी अस्पताल में ले जाकर खाएंगे। सिंदूरा दीदी भी वहां है और हमें लगता है कि शायद उन्हें भी व्रत रखना होगा। और हम लोग साथ में ही खा लेंगे वहां पर। खैर, हम तो ये सोच रहे हैं कि हम अभी निकल जाएं, नहीं तो काफी देर हो जाएगी। हम अभी जाते हैं बुआ जी, तैयार हो जाते हैं। चालू, कुछ लो ना बेटा। विद्या, अब जानती हैं आप क्या कर रही हैं? जिस औरत ने आपका सुहाग छीनने की कोशिश की है, उसी के सुहाग के लिए आप व्रत रखवाने जा रही हैं उससे? हम जानते हैं बुआ जी कि हम किसकी मदद कर रहे हैं, पर फिर भी एक सुहागन होने के नाते हम किसी के सुहाग पे तो आँच नहीं आने दे सकते ना। हम खुद भी एक सुहागन हैं और हम इस तरह से किसी का करवा चौथ का व्रत नहीं टूटने दे सकते।
वो भी इतने छोटे से कारण से। शाबाश बेटे, ऐसी सोच तो सिर्फ हमारी दुल्हन की ही हो सकती है। जाइए। चाची। हाँ? गला बहुत सूख रहा है, मेरे लिए ऑरेंज जूस मंगवा दो प्लीज। अच्छा अच्छा, अभी मंगाती हूँ। हेलो चंद्रा। हाँ दी। चंद्रा, मुझे अनिकेत की बहुत फिक्र हो रही है, तुम उन्हें अभी जाकर दवा दे दो प्लीज। जी दी, आप फिक्र मत कीजिए, हम जाते हैं। एक बहन के लिए इससे ज्यादा दुख की बात क्या होगी कि उस पर उसके भाई की जान लेने का इल्जाम लगाया जाए। विद्या के इन इल्जामों को सुनकर अब जीने की तमन्ना नहीं रही और इसीलिए मैं खुदकुशी कर रही हूँ। देखा सुसाइड नोट, इसका मतलब दी ने अपने आप को मारने की कोशिश करने से पहले ये चिट्ठी लिखी थी। अरे सिंदूरा जी, क्या हुआ? पता नहीं, बहुत बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं अभी किसी को लेके आती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। चिनू, विद्या मुझे देखकर कितनी खुश होगी, अच्छा सरप्राइज मिलेगा उसे। दीभी तो वापस आ गई होंगी अब तो। सच में बहुत मिस कर रहा हूँ दी को, बहुत मन कर रहा है उन्हें देखने का। अरे दादा, हमारा फोन हम वहीं भूला है कमरे में। जा जा ले आओ, मैं चलता हूँ। हाँ। बहुत दर्द हो रहा है। चलिए चलते हैं। चिनू, कुछ हो रहा है अंदर, कोई औरत है तो बहुत चिल्ला रही है। दादा वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ये सब चलता रहता है यहाँ हॉस्पिटल में। चलिए हम चलते हैं, हमें लेट हो रहा है दादा। चलिए चलिए। बहुत दुख रहा है। दादा दादा, भाभी इंतजार कर रही है घर पे, हमारा सब इंतजार कर रहे हैं। हॉस्पिटल में दादा संभाल के, दादा
संभालिए। दी, 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 आप यहाँ हॉस्पिटल में? दी मैं सागर, दी मैं सागर, मैं सागर, हाँ सागर, मैं सागर। तुम कैसे हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो सागर? हाँ मैं ठीक हूँ। दिया ठीक हो? तुम ठीक हो सागर? आप लोगों ने मुझसे झूठ कहा कि दी शहर से बाहर गई है, लेकिन मेरी दी यहाँ हॉस्पिटल में ऐसी हालत में है। कहा कि वो तिरुपति गई है, पता नहीं और क्या सब कहा आप लोगों ने। देखिए मेरी दी की हालत, इतना झूठ, शर्मा लीजिए आप लोगों को। दादा हमने ये बात सिर्फ इसलिए छुपाई थी क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आपकी सेहत के लिए अब कोई भी सदमा ठीक नहीं होगा। मेरी सेहत कई बाढ़ में चीनू, और वैसे भी कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा कि दी यहाँ क्या कर रही है। बताइए आप लोग क्या हुआ मेरी दी को। दी आप ही मुझे बताइए, दी बताइए क्या हुआ आपको। दी बताइए, बताइए दी, आप बताइए क्या हुआ। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ दी, क्या हुआ डॉक्टर साहब? दी कैसी है आप? अब ठीक है ना? डोंट वरी, आपकी दी बिल्कुल ठीक है। आज हमने उनके कुछ टेस्ट करवाए हैं, कल तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, फिर आप उन्हें ले जाइए। नहीं, मैं आज घर जाना चाहती हूँ, मुझे अभी घर ले चलो। अच्छा, अभी घर ले चलो। हाँ हाँ, हम आज ही घर जाएंगे। हम आज ही जाएंगे बस। मुझे घर जाना। डॉक्टर साहब, क्या हम ठीक हो आज अपने साथ घर ले जा सकते हैं? ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो आप उन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू, बस हम आज ही जाएंगे। अब आप आंखें बंद कीजिए और आराम कीजिए। सिंदूरा। विद्या जी, टिफिन तैयार हो गया? जी बुआजी, सर की तैयार है। चलिए चलिए अस्पताल। जी क्या हुआ पुआ जी? आप भी दी को मेरे साथ देखकर चौंक गई ना? हाँ, अब आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप इस तरह। देखिए, आप एक बार पूरी तरह से ठीक हो जाएं, फिर हम आपको सब समझाएंगे अच्छे से। समझा दोगे? आप लोग कुछ नहीं समझा सकते, बस झूठ बोल सकते हैं। वो तो मैंने दी को देख लिया ऐसी हालत में, वरना मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि जिस हॉस्पिटल से मैं घर लौटा हूँ उसी हॉस्पिटल में मेरी दी एडमिट है। झूठ बोला आप लोगों ने मुझसे। बेटे अब मालूम पड़ चुका है ना, अब शांत हो जाइए। आपकी तबीयत एक बार ठीक हो जाए फिर हम सब समझा देंगे आपको। सिंदूरा, विद्या ने आपके लिए सर्गी बनाई है। विद्या जाइए, सर्गी दीजिए। नहीं बुआ जी, इतनी आसानी से नहीं। डैम, ये चंद्रा कहाँ रह गई? अब तक तो उसे मेरा सुसाइड नोट लेकर यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा।
क्या बात है आप? क्या हुआ आप? आप रो क्यों रही हैं? बताइए क्या हुआ आपको? अब क्या कर रही थी हॉस्पिटल में? बताइए ना दी। अरे कोई तो मुझे कुछ बताए, क्या हुआ मेरी दी को? बुआ जी बताइए, बुआ जी बताइए मुझे, दी हॉस्पिटल में क्यों एडमिट थी? बुआ जी बताइए मुझे, क्या छुपा रही है आप मुझसे? बताइए माँ, माँ आपको मेरी कसम, कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ माँ? आपको मेरी कसम, आपको मेरी कसम, क्या माँ बताइए मुझे? बेटा वो सिंदूरा ने, सिंदूरा क्या उसने वो गलती से नहीं छोटी माँ, जानबूझकर दी ने नींद की गोलियां खाई थी। अपने आप को मारने की कोशिश की थी। सुसाइड अटेम्प्ट, सुसाइड, और ये सब करने के लिए उसे मजबूर किया था विद्या ने। चंद्रा ये क्या कह रही हैं आप? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं बुआ जी, ये लेटर हमें दी के कमरे से मिला है, और ये लेटर दी ने अपने आप को मारने की कोशिश करने से पहले लिखा था। तुम्हें हमारी बात पे यकीन नहीं है ना सागर? खुद तुम ये लेटर पढ़ लो। मैं विद्या के झूठे इल्जामों से तंग आ चुकी हूँ, और इसीलिए मजबूरन मुझे खुदकुशी करनी पड़ रही है, क्योंकि इससे ज्यादा दुख की बात एक बहन के लिए क्या हो सकती है कि उस पर अपने भाई की जान लेने का इल्जाम लगाया जाएगा। विद्या के उन इल्जामों को सुनकर अब जीने की तमन्ना ही नहीं। छोटी माँ अनिकेत, मुझे माफ कर दीजिएगा, भारत का ख्याल रखिएगा। आपकी सिंदूरा। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ क्या? तुम्हारी वजह से। सुसाइड नोट मेरी दीदी लिखा है, देखो इसे। सागर आई एम सॉरी, मैं ये सब कहना नहीं चाहती थी, लेकिन यही सच है। क्या सच है दीदी? ऐसा अब तक हमने क्या कर दिया आपके साथ जिसके कारण आपको ये कदम उठाना पड़ा? क्या किया? तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि तुमने क्या किया? अपने अपने आप से क्यों नहीं पूछती? रहने दो सागर, मुझे ये सब बहस करनी ही नहीं है। सारी गलती मेरी है, गलती मेरी है कि मैंने 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 इस चिट को फाड़ा नहीं। मुझे ये फाड़ के फेंक देना चाहिए था। मैं फाड़ देना चाहती थी, लेकिन गोलियों का असर इतना ज्यादा हो चुका था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बेहोश हो गई। मैं बिना किसी से कुछ कहे बस मर जाना चाहती थी। ये औरत आज मेरे लिए सरकी तैयार कर रही है, मेरे व्रत में मेरी मदद कर रही है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि अब मेरा भाई ठीक हो गया है।
मेरा बच्चा घर लौट आया है, तुम्हें इसे जवाब देना होगा। इसलिए इसलिए तुम ये सब कर रही हो मेरे लिए। लेकिन जब ये हॉस्पिटल में था तब तुमने तो मुझे तो क्या दी, विद्या ने आपके साथ क्या किया? बताइए क्या बात है, बताइए दी। सागर रुक जाइए। बुआ जी प्लीज प्लीज बात साफ हो जाने दीजिए, मुझे ये बात जाननी है। बताइए दी, बताइए क्या बात है, विद्या ने आपके साथ क्या किया, बताइए मुझे। इसने मेरे जीने की वजह छीन ली मुझसे, मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। इसने मुझसे कहा मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। इसने कहा कि तुम्हारी एक्सीडेंट की साजिश मैंने रची थी। इसने ये भी कहा कि मैंने हॉस्पिटल में भी तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, तुम्हारा वेंटिलेटर ऑफ कर दिया ताकि तुम बच ना सको। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। इसने कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहती थी।